लगातार सरकारी दफ्तरों में शराब का जखीरा, ऑफिस में, थाने में, डीएमसीएच में, एम्बुलेंस में, सरकारी दफ्तर में लगातार। कल 999 बड़ा शराब का पैकेट एक वार्ड बॉय है मनोज मंडल, जो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर चुका है दरभंगा डीएमसीएच में, लगभग डॉक्टरों से मिल करके मिली भगत है उसमें 50 से 100 करोड़ से ऊपर मनोज मंडल वार्ड बॉय है। उन्हीं के यहां इतनी बड़ी डीएमसीएच में लगभग सारे होटलों में जखीरा उतर चुका है 31 जनवरी के लिए। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को अविलंब बर्खास्त करनी चाहिए। लगभग डीएमसीएच के एचओडी, लगभग एचओडी की संपत्ति, सुपरिटेंडेंट की संपत्ति और मनोज मंडल की संपत्ति ईडी से अविलंब जांच होनी चाहिए। मनोज मंडल की संपत्ति की मैंने पहले भी पत्र लिखा था जांच के लिए कि यह इतना बड़ा 10-10 करोड़ का मकान, जमीन का जखीरा, जो भी डीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट और एचओडी होते हैं मनोज मंडल उसको गाइड करता है और पैसा कमाने का जरिया मनोज मंडल, सारा टेंडर मनोज मंडल। में राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर, जखनपुरा के मुखिया पंडारक में फिर कल एक लोगों को मार दी गई। लगातार मोकामा बाढ़ और पंडारक दहशत के साये में खुलेआम अपराधी घूम रहा, जखनपुरा के मुखिया के अपराधी खुलेआम घूम रहा। लगभग आधा दर्जन से ऊपर मुखिया की हत्या हो चुकी टारगेट पे। ये हालात है और ये राजनीतिक हत्या हो रही। पप्पू देव की हत्या की गई, हार्ट अटैक नहीं है, वो अपराधी थे क्या थे नहीं मुझे नहीं मतलब। रात जब उसके घर पर हम पहुंचे तो उनकी पत्नी ने कही कि हम और हमारे हस्बैंड दोनों एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम एमएलसी का चुनाव ना लड़े इसके पीछे गहरी साजिश, हम न्यायिक जांच की मांग करते, हम हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एसआईटी की जांच की मांग करते। उसी तरह शराब के मामले में हाईकोर्ट की जांच की मांग करते। जखनपुरा मुखिया और गोरेलाल की मुखिया, इस दोनों की 3 महीने के अंदर हम एसपीटी ट्रायल चाहते हैं और दोनों परिवार को सुरक्षा, बिना एफआईआर के, बिना केस के। आखिर पप्पू देव की को क्यों गिरफ्तारी करने रात के 1 बजे जरूरत पड़ी, जबकि उस दिन कोई एफआईआर नहीं था, कुछ नहीं था।
के पाठक जी, क्या आप और आपकी सरकार अविलंब डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और सरकारी दफ्तर में जहां भी दारू मिल रहे हैं, क्या आपने उसको बर्खास्त किया? क्या आपने उसको हटाया? क्या उनकी संपत्ति की इंक्वायरी हुई? और के पाठक जी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आपने दारू माफिया को अभी तक, बड़ी मछली को अभी तक आपने नहीं पकड़ा, ना ही आप उनको जेल भेजे, ना ही उनकी संपत्ति जांच की। के पाठक जी, किन किन नेताओं की मिली भगत, किन किन नेताओं के गोदाम में यह उतरता है, आप इसको भी उद्भेदन नहीं किए। इसीलिए हम मांग करते हैं कि पीने वाले को जेल ना भेजा जाए, बेचने वाले और लाने वाले और जो पदाधिकारी सपोर्ट करता है, जिसके संरक्षण में यह चलता है और जिन नेताओं का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, उनकी ईडी से संपत्ति जांच कर पदाधिकारी और नेताओं की संपत्ति जब्त की जाए और नौकरी से और पद से बर्खास्त किया जाए।